और अब बात करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में कोरोना की मार सबसे ज्यादा पड़ी है। देश के सबसे ज्यादा कोरोना के जो मरीज हैं वो महाराष्ट्र में हैं। यहां पर संक्रमित मरीजों की संख्या 6430 तक पहुंच गई है, जबकि 283 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मरीज मुंबई से हैं। यहां कोरोना ने सबसे घातक प्रहार किया। मुंबई में 4400 से ज्यादा लोग अभी तक कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। मुंबई संक्रमण की रफ्तार 13% है। मुंबई में कोरोना के हालात किस कदर खराब हैं, आप ये रिपोर्ट भी देखिए। देश की राजधानी दिल्ली के साथ साथ देश की आर्थिक राजधानी मुंबई भी कोरोना के कहर से बेहाल है। मुंबई में कोरोना की महाआफत। मुंबई में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है। मुंबई देश में कोरोना का सबसे बड़ा एपिसेंटर बन गया है। हर बीते दिन के साथ मुंबई में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। मुंबई में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 4400 के पार पहुंच गया है। शहर में कोरोना से अब तक 178 लोगों की जान जा चुकी है। कोरोना का कहर मुंबई में एनआईए के ऑफिस तक पहुंच चुका है। एनआईए के मुंबई ऑफिस में काम करने वाले एक एएसआई कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। एहतियात के तौर पर ब्रांच को सैनिटाइज किया जा रहा है। अकेले मुंबई शहर में 92,000 से ज्यादा लोगों को होम क्वारंटीन में रखा गया है। मुंबई में कंटेनमेंट जोन्स की संख्या बढ़ाकर 892 कर दी गई है, यानी मुंबई के 892 इलाकों को पूरी तरह सील किया जा चुका है। मुंबई में धारावी कोरोना का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बन गया है। धारावी में अब तक कुल 220 कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं, वहीं 14 लोगों की मौत हो चुकी है। धारावी पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि एशिया के सबसे बड़े स्लम में संक्रमण के तेजी से फैलने का खतरा है। केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक धारावी में संक्रमण को रोकने के लिए हर तरीके का इंतजाम किया जा रहा है। मुंबई में कोरोना संक्रमण से ठीक होने वालों की रफ्तार भी बढ़ रही है, लेकिन सारे जतन के बाद भी मुंबई में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौट रहे फौरन। नो सिग्नल नो वरी प्रेजेंटिंग जी न्यूज ऐप विद लाइव टीवी लेटेस्ट अपडेट एंड एक्सपर्ट ओपिनियन अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।